आज पूरे देश में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया गया। अहमदाबाद, पुरी, कोलकाता इत्यादि शहरों में बहुत ही भव्य भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली गई। अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने भगवान जगन्नाथ की पूजा की और रथ यात्रा में शामिल हुए। मगर आज की इस रथ यात्रा में सबसे विचित्र तस्वीर देखने को मिली कोलकाता में, जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को इस्कॉन मंदिर में पूजा अर्चना की। यहां ममता बनर्जी के साथ बंगाली एक्ट्रेस और टीएमसी सांसद नुसरत जहां भी पहुंची। बता दें, यह वही ममता बनर्जी हैं जो लोगों के जय श्री राम के नारे लगाने पर भड़क जाती थी। अपनी गाड़ी से उतरकर सड़क के किनारे जय श्री राम के नारे लगा रहे लोगों को गालियां देती भी दिखाई दी। सबसे आश्चर्य वाली बात यह है कि ममता ने जय श्री राम के नारे लगाने वाले लोगों को गिरफ्तार भी करवाया। ममता ने ऐसे लोगों को गुंडे कहा और इन्हें बंगाल के बाहर का बताया। इस दौरान काफ़ी दंगे फसाद भी हुए, जिसमें कई लोगों की जानें तक चली गईं। यहां तक कि ममता बनर्जी ने अपनी गुप्त एजेंसियों को यह आदेश दिया कि वे ऐसी जगह का पता करें कि ममता बनर्जी के काफिले के दौरान किस किस जगह पर जय श्री राम के नारे लग सकते हैं। मगर यह वही ममता बनर्जी आज भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना करती दिखाई दी और उनकी रथ यात्रा में शामिल हुई। ऐसे में सवाल उठता है कि ममता को जय श्री राम से नफरत और भगवान जगन्नाथ से प्यार क्यों? क्या ममता बनर्जी को अपनी गलती का पछतावा हो गया है, या फिर ममता बनर्जी भगवान जगन्नाथ की यात्रा में शामिल होकर राजनीतिक लाभ उठाना चाहती हैं, अथवा हिंदुओं के प्रति अपनी झूठी सहानुभूति दिखा रही हैं? यदि हम आज की इस तस्वीर का राजनीतिक विश्लेषण करें तो ममता का यह एक राजनीतिक स्टंट माना जाएगा, जो कि हिंदुओं को लुभाने के लिए है अथवा हिंदू वोट बैंक के लिए है। अब ममता चाहे अपनी छवि सुधारने के लिए जो मर्जी करें, मगर लोगों को उनकी राजनीतिक नीयत का पता चल गया है और वे इसका जवाब देना बखूबी जानते हैं। मगर इस घटना की सबसे अच्छी तस्वीर थी नुसरत जहां का इस यात्रा में शामिल होना। आयोजकों ने नुसरत जहां को बतौर मुख्य अतिथि यहां आमंत्रित किया है। बता दें, यह वही नुसरत जहां हैं जिन्होंने एक मुस्लिम होते हुए एक हिंदू परिवार में शादी की और बाद में वे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सिंगार करके संसद पहुंची थी, जहां उनकी काफ़ी चर्चा हुई और उनकी तस्वीर वायरल हो गई, जिसका मुस्लिम कट्टरपंथियों को बहुत बुरा लगा और उन्होंने उनके खिलाफ फतवा भी जारी किया। मगर नुसरत जहां ने इस यात्रा में शामिल होकर उन कट्टरपंथियों को करारा जवाब देने की कोशिश की है। नुसरत जहां यहां अपने पति निखिल जैन के साथ पहुंची। सीएम ममता बनर्जी के साथ नुसरत जहां ने भी पंडाल में पूजा अर्चना की। नुसरत जहां पश्चिम बंगाल की बसीरहाट लोकसभा सीट से टीएमसी सांसद हैं। नुसरत जहां ने इस दौरान विवाद पर जवाब भी दिया। नुसरत जहां ने कहा कि वह पैदाइशी मुसलमान और इस्लाम में विश्वास रखती हैं। तो दोस्तों, इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है, कमेंट करना ना भूलें।